और रिव्यू में आज आपके सामने लेके आए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खास LG के विंडो AC। जी हाँ, ये दो विंडो AC आप देख रहे हैं, लेकिन साइजेस डिफरेंस है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मैं आपको बता दूं, दोनों ही 1.5 टन के हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों ही 1.5 टन के हैं तो साइजेस में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? जी हाँ, एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ, जो बड़ा वाला है वो 5 स्टार है, छोटा वाला 3 स्टार है। और इस वीडियो में हम आपको पूरा तफसील से बताएंगे इन दोनों में खासियत क्या है, क्या ये AC लेना आपके लिए सही रहेगा, क्या ये आपके पॉकेट को किफायती रहेगा, क्या सबसे बड़ी बात कि बिजली कम खाएगा। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल देंगे आपको, तो शुरू कर रहे हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि ये AC आपके सामने फुल्ली तैयार है, फुल्ली हमने इसको अनबॉक्स कर दिया है, इसके कवर लगा दिए हमने। देखिए आपको कैसा लग रहा है। और आपको बता दें, ये विंडो AC जो है, ये इन्वर्टर AC है। इन्वर्टर AC का काम ये होता है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, कई सारे लोगों को, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है इसके बारे में। इन्वर्टर AC का काम ये होता है कि अगर आपके घर में अगर फ्लक्चुएशन की दिक्कत है, तो यूजली क्या होता है, लोग AC में स्टेबलाइजर लगाते हैं, लेकिन इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है आपको। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी खुद ही मेंटेन कर देता है, इसमें टेक्नोलॉजी डाली गई है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो, वो यही काम करती है। और आपको बता दूं, इसमें ड्यूल इन्वर्टर है, ड्यूल इन्वर्टर AC है, तो नॉर्मली आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। LG ऑलरेडी अपने में एक बड़ा ब्रांड है और बड़ा नाम है, और उसके जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे और बेहतरीन होते हैं। और मैं आपको भी क्लोज से दिखाता हूँ, इसमें जैसा कि ये आपको क्लोज से मैं दिखा रहा हूँ, ये 1.5 टन का AC है जो कि 3 स्टार है। अब आप इसके फीचर आपको दिख रहे होंगे, देखिए मैं भी रॉ दिखा रहा हूँ अभी आपको, इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं आप देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि एनर्जी सेवर भी दे रखा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एनर्जी सेवर है इसमें। और नॉर्मली जो AC में वो रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, वो भी है सब उसमें। क्लीन फिल्टर देख सकते हैं आप, क्लीन फिल्टर भी है इसमें। यूजली फिल्टर गंदे हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन ये ऑटोमेटिक आप इसमें क्लीन भी कर सकते हैं फिल्टर इस फंक्शन के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 5 स्टार AC है जो LG का, उसको दिखाते हैं आपको क्लोज। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं क्लोज से, 5 स्टार AC है, 1.5 टन का, सेम वेरिएंट में, लेकिन फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक वाईफाई फीचर, जो मैं हम बात कर रहे थे, वाईफाई फीचर भी है इसमें, जो सबसे खास है, जिसे यूजुअली आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। बाकी सेम फीचर दोनों के मैच कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा एड ऑन नहीं किया गया है। ये दो वेरिएंट है, 3 स्टार और 1 5 स्टार। तो अब इसकी जो इम्पोर्टेंट, दोनों में कंपैरिजन, जो सेम थिंग है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें दोनों में खासियत क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोज में, ये कूलिंग कॉइल है, ये ACs में लगे रहते हैं ताकि AC आपका कूल करे, जल्दी गर्म ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पहुँचाए। लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग बात है, इसमें टाइटेनियम कोटिंग करी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का इसमें कोटिंग करी गई है। टाइटेनियम तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये ब्लैक कोटिंग जो करी गई है, कंपनी जो दावा कर रही है कि इस ब्लैक कोटिंग से जो जल्दी हीटअप हो जाते थे AC, वो नहीं होंगे अब इससे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग होगी। और आप अगर घर के बाहर आपका टेम्परेचर 52 डिग्री है, तो ऐसे में AC काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये AC उस टेम्परेचर में भी काम करेगा बेहतरीन तरीके से, चाहे ये 5 स्टार AC की बात करें, चाहे हम 3 स्टार AC की बात करें, दोनों ही सेम वर्क करेंगे। दोस्तों, अब इसमें एक खास चीज़ आपको बता दूं, इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, उनकी वारंटी की बात कर लेते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट पे ही, ओवरऑल प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी दे रही है, जबकि कंप्रेसर पे ये 10 साल की वारंटी दे रही है कंप्रेसर पे। साथ ही इसकी प्राइसिंग की बात करें, जो छोटा वाला जो आप देख रहे हैं 1.5 टन का, जो कि 3 स्टार AC है, वो अमूमन आपको 29,000 के करीब कॉस्ट करेगा। लेकिन जबकि आप इसके बिगर वेरियंट पर जाएंगे, जो कि 1.5 टन का ही है और 5 स्टार AC है, वो आपको अमूमन कॉस्ट करेगा 35,000 कह रहा हूँ। तो ये एक बेहतरीन डील है, आप ले सकते हैं। और सबसे एक खास बात आपको बता दूँ कि LG एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपने विंडो AC में इन्वर्टर AC लेके आया है, जो कि अभी तक किसी भी ब्रांड ने अपने विंडो AC में
इन्वर्टर एसी नहीं लेके आ पाए, जबकि एलजी से बेहतरीन तरीके से उसको अपने विंडो एसी में से लेके आया है। और एलजी इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, इन्वेंशंस के लिए अपने और बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए, जो किसने अपने आप को कई हद तक प्रूव भी किया है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही है। कि आपको अगर इस एसी के बारे में कुछ भी जानना हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि कुछ भी जानना चाहते हैं आप इसके बारे में। और दूसरी बात आपको ये बता दूं मैं कि अगर आपको इसके अलावा किसी भी एसी के बारे में, आपके घर में जो स्पेस हो उसके स्पेस के हिसाब से अगर आपको एसी जानना हो, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, कैसा एसी होना चाहिए, कितना किफ़ायती होना चाहिए, कि आपके पॉकेट को कौन सा सूट करेगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी हम बता पाएंगे आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल करिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।